हाँ जी बेटा, ग्रीटिंग्स टू ऑल। सो डियर स्टूडेंट्स, एज ऑलरेडी इन लास्ट चैप्टर वी हैव स्टडी अबाउट दिल्ली, मीन्स वी हैव रेड अबाउट द कैपिटल, है ना, अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द दिल्ली, अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अबाउट द मोन्यूमेंट्स दैट आर इन द दिल्ली, अबाउट द कल्चर, अबाउट द स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, है ना। सेम लाइक दिस इन चैप्टर नंबर 9 वी विल रीड एंड वी विल नो मोर अबाउट द सिटी मुंबई। ओके, सिटी मुंबई, मुंबई मुंबई के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। सो इस सिटी में हम रीड करेंगे इसकी लोकेशन के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, कल्चर के बारे में, और लाइफ ऑफ द पीपल, कि लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। सो अगर हम बात करें अबाउट द सिटी, मुंबई हैज बीन डेवलपिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुंबई, वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, इट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मुंबई। सो मुंबई हैज बीन डेवलपिंग फॉर द लास्ट 500 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ी सिटी है, पिछले 500 सालों से, 500 ईयर्स से ये डेवलप हो रही है। मुंबई वॉज अ क्लस्टर ऑफ 7 आइलैंड्स, नेमली कोलाबा, स्मॉलर कोलाबा, वोरली, परेल, मजगांव, बॉम्बे एंड महिम। ये 7 आइलैंड्स का एक क्लस्टर है। दीज 7 आइलैंड्स वर कंबाइंड टू फॉर्म वन लार्ज आइलैंड, बॉम्बे बिकेम मुंबई ऑफिशियली इन 1995। यही 7 आइलैंड्स थे जो कंबाइन होके एक बड़ा आइलैंड बन गया, और जो बॉम्बे है उसे मुंबई का नेम मिला 1995 में। पहले मुंबई का नेम, पुराना नेम था बॉम्बे। द नेम मुंबई कम्स फ्रॉम मुंबा विच मीन्स गोडेस, एंड आई विच मीन्स मदर। सो मुंबई जो नेम है ये दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज मुंबा, देन आई, मुंबई। मुंबा मीन्स गोडेस, ओके, एंड आई मीन्स मदर। सो इसके बाद अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो मुंबई लाइज इन द डेकन। सो डेकन मीन्स जो डेकन प्लेट्यू हमने रीड किया था, उस डेकन प्लेट्यू के एरिया में है। इट इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट है, मीन्स जो वेस्ट वाली साइड का किनारा है, उस किनारे पे ये लोकेटेड है। फेसिंग द अरेबियन सी, अरेबियन सी की तरफ इसका फेस है। मीन्स मुंबई हैज टू डिफरेंट रीजन्स, द सिटी एंड द सुबर्ब्स। अब मुंबई के दो अलग अलग एरिया है, एक है सिटी और दूसरा है सुबर्ब्स। अब सुबर्ब्स कौन से होते हैं बेटा? सुबर्ब मीन्स होते हैं जो झुग्गी झोंपड़ी वाले, जो पिछड़े इलाका है, उसे सुबर्ब्स बोलते हैं। अब क्लाइमेट की अगर हम बात करें, मुंबई एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट, इट इज नाइदर टू होर और नॉर टू ओल्ड। क्योंकि ये बेटा सी के कोस्ट पे है ना, तो समुद्र के पास का एरिया है, तो इसका जो क्लाइमेट ना ही ज्यादा गर्म होगा ना ही ज्यादा ठंडा होगा। द समर मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू मिड जून आर हॉट एंड ह्यूमिड, दिस इज फॉलोड बाय द मॉनसून्स व्हेन मुंबई रिसीव्स हैवी रेनफॉल। मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू फरवरी आर वेरी प्लीजेंट। जो नवंबर से फरवरी के मंथ्स है वो बहुत प्लीजेंट रहते हैं, लेकिन समर होती है यहाँ, तो उन दिनों में थोड़ी सी गर्मी भी होती है और ह्यूमिड भी ये रहता है। ह्यूमिड का मीन्स यहाँ पे बारिश होती रहती है, रेनफॉल यहाँ पे ये रिसीव्स करता है मॉनसून एरिया में। सो अगर हम ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, सिटी है ये अलग अलग जितने भी दूसरी सिटीज हैं इंडिया की, उन जो ऑल बड़ी सिटीज हैं, उन सभी से ये कनेक्टेड है। और कनेक्टेड किससे है? यहाँ पे लोकल ट्रेन्स भी चलती हैं, और इसमें रेलवे स्टेशन भी हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST बोलते हैं जिसे, चर्च गेट, ओके, मुंबई मोनोरेल एंड मेट्रो, मुंबई की एक मेट्रो, और मुंबई में जो मोनो रेल है दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा मुंबई में बस सर्विस, टैक्सी सर्विस और ऑटो सर्विस भी बहुत में। और जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, बिकॉज ऑफ हैवी पैसेंजर ट्रैफिक, यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं और ये हैवी ट्रैफिक रहता है एयरपोर्ट के ऊपर, मीन्स वहां से लोगों का
आना जाना बहुत ज्यादा है। जो फर्स्ट बिजनेस एयरपोर्ट है वो है दिल्ली का, जो न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है, और जो सेकंड है वो है मुंबई का। फ्लाइट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम हेयर। मुंबई हैज़ टू इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, द मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसके अलावा जो सी वेज है समुद्री रास्तों के लिए भी, जो मुंबई है वहाँ पे दो पोर्ट्स हैं, जो मुंबई पोर्ट है और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मींस जो समुद्री रास्तों के, जो समुद्री जहाजों के जो अड्डे होते हैं, जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे ही जो जो सिंपल पोर्ट होता है वो सी वाले एरियाज का पोर्ट होता है। मींस वहां से सारे समुद्री जहाज सामान लेके आते हैं या वहां से सामान लेके जाते हैं, वो भी टू पोर्ट्स हैं जो मुंबई में लोकेटेड हैं। अगर हम कल्चर की बात करें तो ज्यादातर लोग यहाँ के मराठी, हिंदी एंड कोंकानी बोलते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हैव सेटल्ड इन दिस सिटी। फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, होली, नवरोज, ओनम, नवरात्रि एंड पोंगल आर सेलिब्रेटेड। तो आजकल बेटा पता ही है, हर एक बड़ा शहर में, जितने शहर भी बड़े बड़े हैं उन सभी शहर में हर एक टाइप के लोग वहां जाके रहते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो अपने आपके नियर अबाउट की अपने एरिया के लोग भी वहां बहुत जाके रह रहे हैं। इसलिए सारे फेस्टिवल्स ही वहां पे सेलिब्रेटेड होते हैं। मीन्स एक्टर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे मुंबई से ही अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। मीन्स मुंबई में रहने वाले ज्यादातर लोग क्या है वो सीरियल से सिनेमा का वर्क करते हैं, और इसके जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सिनेमास की रिगार्डिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, वो भी सबसे ज्यादा यही हैं। इसके अलावा जो पहली हमारी फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी ईयर 1913 में, वो भी मुंबई से ही बनी थी। इसके अलावा अगर हम फूड की बात करें तो फूड पॉपुलर डिशेज है मुंबई में वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, पूरनपोली, श्रीखंड एंड पानीपुरी। इसके अलावा यहाँ पे ये तो इसके फेवरेट फूड्स थे बेटा। ओके, पानीपुरी बेटा बोलते हैं हमारे गोलगप्पे को। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो क्रिकेट है जो वो फेवरेट गेम है लोगों का, इस शहर में रहने वालों का, और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेडियम्स भी है, जैसे वानखेड़े स्टेडियम और ब्राबॉर्न स्टेडियम जो मेन स्टेडियम्स है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, तो ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज की ऑफिसेज हैं मुंबई में, जहाँ जैसे वहां पे टेक्सटाइल मिल्स हो गए, डायमंड इंडस्ट्रीज होगी। ओके, तो ये बेटा एक ऐसी सिटी है मुंबई जिसको नेम दिया जाता कभी ना सोने वाली सिटी। मींस इतने लोग यहाँ रहते हैं जो दिन में भी काम करते हैं कई, और कई रात में भी काम करते हैं, तो जो सिटी है वो बेचारी वो सारी रात ही मींस जागती रहती है, क्योंकि वहां पे वर्क किसी ना किसी तरह का काम वहां चलता ही रहता है। इसी के साथ साथ मुंबई के साथ बेटा है बॉम्बे हाई है, ऑयल फील्ड है मुंबई के कोस्ट के पास, मुंबई के किनारे के पास, वहां से रिफाइनरी है, वहां से ऑयल भी निकाला जाता है जिससे पेट्रोलियम निकलता है, जिसमें से आगे हम पेट्रोल और डीजल निकालते हैं। तो ये था बेटा मुंबई के बारे में। तो वंस अगेन यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, सो यू हैव टू रीड इट। थैंक यू।